एवरीवन, आज का हमारा पाठ है कृष्णा सोबती की द्वारा लिखा गया मियां नसीरुद्दीन। लीजिए सुनते हैं कृष्णा सोबती की कहानी मियां नसीरुद्दीन पाठ का सार। यह कथा लेखिका कृष्णा सोबती की हम हसमत गद्य संग्रह से संकलित है और मियां नसीरुद्दीन एक बड़ा ही सजीव और मनोरंजक रेखा चित्र है जिसमें एक नानबाई होता है यानी रोटियां पकाने वाला बूढ़ा मियां नसीरुद्दीन है, उसके बारे में कृष्णा सोबती ने बताया है। एक दिन लेखिका पुराने गडैया मोहल्ले से होकर के गुजर रही थी। वहां उन्होंने एक अंधेरी सी छोटी सी दुकान पर ढेर सारा आटा सानते हुए किसी को देखा तो उनके मन में आया कि इतने सारे आटे का क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो उन्हें पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियों को बनाने वाले मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी और वहां बैठकर कि वह बीड़ी पी रहे थे और उनके चेहरे पर अनुभव के निशान दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में भी अनुभव की चमक दिखाई दी लेखिका को। तो लेखिका ने मियाँ जी से प्रश्न किया कि उन्होंने यह रोटियां बनाने का इतना हुनरमंद काम कहाँ से सीखा। नानबाई जो थे वो काफ़ी बेपरवाह अंदाज में उन्होंने जवाब दिया कि यह काम तो उनके घर में वर्षों से चला आ रहा है और उनके पिताजी बरकत शाही गढ़िया वाले नानबाई के नाम से मशहूर हुआ करते थे और उनके दादा मियाँ कल्लन भी बहुत ही अच्छे दर्जे के नानबाई थे। यहाँ पर कहानी में मियाँ नसीरुद्दीन अपने बड़प्पन का और खानदानी शान का बखान करते हुए नज़र आते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि कोई भी कार्य सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जा सकता है। अलिफ से शुरू होकर के पढ़ाई ऊपर तक जाती है, ऊंची की जमात में पहुंचा जाता है यानी कि ऊंची क्लासों में पहुंचने के लिए हमें ABC से शुरू करना पड़ता है। छोटे काम से बड़े काम की तरफ हम जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भट्टी बनाने, भट्टी में आंच डालने, बर्तन धोने आदि छोटे छोटे काम करके उन्होंने रोटी बनाने का यह कलात्मक कार्य सीखा था। वह इसे इल्म का नाम देते हैं यानी हुनर सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे नहीं बैठ गई, दुकानदारी और ग्राहकी का उन्होंने अनुभव पाने के लिए पहले खूमचा भी लगाया था। और जब खानदान की बात मियां नसीरुद्दीन करते हैं तो उनके चेहरे पर और आंखों में एक अजब सी चमक छा जाती है और अपने खानदान को हर हालत में वह गर्व की भाषा में बताते हैं। वह कहते हैं कि उनके बुजुर्ग ऐसा खाना बनाते थे जो न आग में पकता था न पानी उसमें लगता था और यहाँ तक कि वह उनके खानदान में बादशाह सलामत के लिए भी रोटियाँ बनाई जाती थी। खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, वे ये कहते हैं। लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्म जानने की इच्छा प्रकट की तो वहाँ खिंच जाते हैं और तुनक कर कुछ रोटियों के नाम बता देते हैं और बताते हैं कि तुनकी रोटी जो है पापड़ से भी महीन होती है और पिछले ज़माने की याद में खो जाते हैं। वह कहते हैं कि आजकल खाने पकाने का इतना शौक नहीं रहा, ना ही चीज़ों की कद्र रही। आजकल तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। फिर वह कहते हैं क्या बनाएं और क्या खिलाएं। लेखिका उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती है क्योंकि वह देख लेती है कि मियां नसीरुद्दीन का स्वभाव बड़ा ही तुनक मिजाजी का था। इसी पाठ में
एक रेफरेंस आता है, साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। यहाँ से वह नान भाई की कहानी शुरू करती हैं। पंच हजारी अंदाज इसमें जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं उनके बारे में कहा गया है। बड़े जो 5,000 की सेना के नायक होते थे उनकी चाल ढाल अलग होती थी, उनमें अकड़ पाई जाती थी, तो मियाँ नसीरुद्दीन में वैसा ही गर्व और आत्मविश्वास इस कथा में पाया जाता है जो उनका रेखा चित्र कृष्णा सोबती जी ने बनाया है। अगर कुछ एक दो क्वेश्चंस की बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वो वर्षों से उनका खानदान जो था इसी पेशे को अपना करके अपना कार्य चलाता था और खानदानी वो नान भाई है। 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर उन्होंने सीखा है। बेतुन की और रुमाली जैसी कलात्मक रोटियां बनाना भी जानते हैं। रोटी बनाना उनकी नज़रों में एक कला है और वे स्वयं को इस कला का उस्ताद बताते हैं। साथ ही उनमें आत्मविश्वास और फक्कड़पन दोनों कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा ठीक ही कहा गया है। इसी तरह से मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स की बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपके एग्ज़ाम कब हैं तो मुझे ज़रूर डेटशीट बताते रहा करिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के एग्ज़ाम्स अलग अलग समय पर होते हैं, तो मुझे पता रहे तो मैं उसी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करती रहती हूँ। Thank you for watching.